हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड एंड क्रिएटिविटी कॉर्नर। मैं रश्मि एक बार फिर से आ गई हूँ आपसे मिलने एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ दो DIY शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर को महंगे सामान से सजाएं, आप घर के बेकार सामान से भी अपने घर को सुंदर बना सकते हैं, घर के हर कोने को खूबसूरत बना सकते हैं। बस इसके लिए चाहिए थोड़ी सी क्रिएटिविटी और थोड़ी सी मेहनत, लेकिन खुशियाँ ढेर सारी। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे गार्डन का पौधा जो गर्मियों में सूख गया था, इसको ही मैं आज डेकोरेट करूंगी। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ ले ली है पुटीन। मेरे घर पे भी पुटीन हुई थी तो रखी थी, तो मैंने वही ले लिया। और आप चाहें तो इसमें वाइट सीमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो इस पौधे पर ऐसे ही कलर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कलर करने से फिनिशिंग थोड़ी कम आती है, तो इसलिए इस पर पुटीन या वाइट सीमेंट लगाना ज़रूरी रहता है। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे और इसका एक गोल बना लेंगे, जैसे पुटीन का होता है उसी तरह से हम इसका गोल बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इस पुटीन को हम पेड़ की हर डाली पर लगा देंगे और इसे लगाने के बाद सूखने के लिए रख देंगे। 1 से 2 घंटे में ये अच्छे से सूख जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये पुटीन मेरी सूख गई है, अब हम इसको कलर करेंगे। तो मैंने लिया है यहाँ पर जो दीवारों पर पेंट होता है वही वाला कलर लिया है, मेरे पास रखा हुआ था। आप चाहें तो इसमें कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, वाटर कलर यूज कर सकते हैं, एक्रिलिक कलर यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ इसको पेंट कर रही हूँ और इसे मैं पूरा पेंट करने के बाद इसको फिर से इसको सुखा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पेड़ सूख गया है पूरा, अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए मैंने लिए हैं पॉम्पॉम। ये पॉम्पॉम मेरे पास रखे हुए थे, मार्केट में भी मिल जाते हैं, आप चाहें तो इन्हें घर पर भी बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं। और इस पर मैं फेविकोल लगा करके पॉम्पॉम को लगा दूंगी और कुछ बीड्स भी मैं लगाऊंगी इसमें। फ्रेंड्स, ये मेरी DIY बर्ड्स हैं, इन्हें मैंने घर पर ही बनाया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने इन्हें कैसे बनाया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, इससे कि मैं इसका वीडियो बना करके आपको अपलोड करा दूं। तो फ्रेंड्स, इनको मैंने एक सुई से धागे से निकाल करके इस तरह से पेड़ में लटका दिया है, तो ये बहुत खूबसूरत लगने लगी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना दूसरा DIY। ये मेरा एक पेंट का डिब्बा है और इसको मैं अब डेकोरेट करूंगी, एक प्लांटर की तरह बनाऊंगी इसको, जिससे कि मैं ये अपना पेड़ भी उसमें लगा सकूं या उसमें कुछ भी हम फ्लावर वगैरह लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है ये एक फैब्रिक, ये मेरे पास रखा हुआ था, इसमें सितारे और लेसेस मैंने पहले से लगा के रखी हुई थी। ये मैंने कुछ काम के लिए बनाया था तो वो ये बच गया था कपड़ा, उसी को मैंने इसमें यूज़ कर दिया। इसको लगाना बहुत ही आसान है, बस फेविकॉल लगाना है और इसको चिपका देना है। ये ऊपर थोड़ी सी जगह खाली है तो उस पर हम एक लेस लगा देंगे। तो देखिए ये कितना सुंदर सा प्लांटर तैयार हो गया है। इसके अंदर मैंने वही पेंट जो पेड़ पर किया है उसी पेंट को कर दिया है। तो इस तरह से मैंने ये दो प्लांटर एक जैसे बना लिए हैं और एक मैंने और प्लांटर बनाया है इसी ऐसे डिब्बे का। इसमें मैंने दो कलर की ऊन को फेविकॉल से चिपका दिया है और उस पर ये कांच लगा दिए हैं। तो ये कैसा लग रहा है ये तो अब आप ही बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स, इसी तरह मैंने जो पेड़ छोटा बनाया था उसी की तरह मैंने एक और बड़ा पेड़ बनाया है। ये मेरा तुलसी का पौधा था और वो सूख गया था गर्मियों में। अब मैं आपको इसको अरेंज करके दिखा रही हूँ। तो मैंने कुछ इस पर लाइटिंग डाल दी है तो ये लाइटिंग से बहुत अच्छा लगने लगेगा। ये देखिए, मैं इसमें लाइट लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, लाइट ऑन करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है, तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। Thank you.
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, आज के मेरे DIY? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।